किया गया है और उसका वीडियो बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडिजेट। नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म वीडियो बनाकर किया वायरल। योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों के बाद भी यूपी में युवतियों और बच्चियों के साथ होने वाली वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मेरठ में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए छात्रा का मेडिकल कराया है। जानकारी के मुताबिक मेरठ शहर में रहने वाली छात्रा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि उसके साथ घर के पास ही रहने वाले दो युवकों ने नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप किया और इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। जब छात्रा ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो उसके परिवार को आरोपी युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया और उसके बयान दर्ज किए। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपी अक्षय और सौरभ को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा की दृष्टि से छात्रा के घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन अब्दुल रहमान ने बताया है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार ए टू जेड के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम पवन चौधरी है, पास है सुभाष नगर से। भैया, एक छात्रा का वीडियो वायरल बना के उसके साथ रेप हुआ है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, सुभाष नगर में एक लड़की रहती है किराए पर, उसके घर के सामने एक दूसरी लड़की रहती है जो वो सहेली है उसकी, वो उसको भैला फुसला कर अपने ताऊ के घर ले गई, जहाँ पर उसका ताऊ का लड़का और ताऊ के साले का लड़का वहाँ मौजूद था पहले से ही। उन्होंने वहाँ जाकर उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद अर्धबेहोशी की हालत में हो गई वो लड़की। उसके बाद दोनों लड़कों ने एक बार एक द्वारा बलात्कार किया उसके साथ, पहले उसके मामा के लड़के ने किया जो काजीपुर का रहने वाला है, उसके बाद उसके ताऊ के लड़के ने बलात्कार किया और उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर उसको वो परेशान करने लगे द्वारा कि हमारे पास आ, वो लड़की नहीं गई, उनने अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी ने उन लड़कों से पूछा कि तुम मेरी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करी और उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो उन्होंने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद वो उसकी लड़की की माँ मेरे पास आई और हमने उसकी FIR थाना सिविल लाइन में करा दी। इसके साथ बलात्कार किया गया है और उसका वीडियो बनाया गया है, तो इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और तुरंत दोनों अभियुक्तों जिनका नाम इसने लिया उनको हमने जेल भेज दिया है, जिसमें IPC की सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं और इन्वेस्टिगेशन का काम जारी है। सर, ये कौन लड़के थे, क्या इनकी उम्र थी, क्या बालिग थे या नाबालिग थे, और लड़की बालिग थी या नाबालिग? लड़की नाबालिग है, लड़के जो दो हैं वो दोनों अडल्ट हैं और बाकी जो इसमें तथ्य हैं इससे रिलेटेड वो जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी उसमें निकल के सामने आएंगे। वीडियो वायरल का भी मामला सामने आ रहा है, हाँ, तो उससे रिलेटेड भी IT एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, थैंक यू।